नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई को अब तक दी जा रही सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में जांच से पहले तमिलनाडु सरकार की इजाज़त लेनी होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना में भी ये लागू है। तमिलनाडु गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के एक विशेष प्रावधान के अनुसार सीबीआई को जांच करने के लिए जाने से पहले संबंध राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। आदेश में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई सहमति वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस तरह सीबीआई को राज्य में जाँच करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। माना जा रहा है कि तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री बी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। हालांकि राज्य सरकार का फैसला प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पर लागू नहीं होता है। सेंथिल बालाजी को ईडी ने परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मामले में कहा है कि जब बालाजी जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे थे तो लंबी पूछताछ की क्या ज़रूरत थी, क्या ईडी की इस तरह की कार्रवाई उचित है। स्टालिन नीत सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले बालाजी पहले मंत्री हैं। बालाजी 2014-15 में अपराध के समय अन्ना दुर्मुख में शामिल थे और उस समय परिवहन मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।